हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया लाइफस्टाइल विद रजनी। आज का जो वीडियो है बहुत ही छोटा सा है, बस तवीशी के एग्ज़ाम है, इसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं कोई भी प्रॉपर अच्छे से टाइम दे सकूं और वीडियो बना सकूं और वीडियो एडिट कर सकूं। अभी भी मैं तवीशी को पढ़ा ही रही थी और उसके बाद सोचा चलो एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल आपको मौका नहीं देने वाली हूँ कि आप मुझे भूल जाएँ या आप मुझसे डिस्कनेक्ट हो जाएँ। और वैसे भी हम जैसे नए यूट्यूबर्स के सर्वाइवल के लिए तो बार बार वीडियोस को अपलोड करना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग हमें जाने और हमें पहचाने। तो बस ये वीडियो जो है, ये मेरी किचन जो काउंटर टॉप है उसको मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है उसके बारे में है। मैंने कोई भी मार्केट से कोई भी महंगी चीज़ें नहीं ली हैं, कोई भी महंगे प्रोडक्ट नहीं लिए हैं कि जिससे मैं जो ये काउंटर टॉप है उसको ऑर्गेनाइज़ करूँ। मेरे पास जितना भी वेस्ट सामान था, वेस्ट प्लेट हो गई, मग हो गए या बास्केट हो गए, उसी से ही मैंने अपने काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो एक तरीके से ये जो काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन है आपके लिए भी एक तरीके से टिप्स होंगे कि आप भी कैसे अपनी जो घर में पड़ी हुई वेस्ट चीज़ें हैं उससे कैसे आप यूज़ करके अपने काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम काउंटर टॉप के कॉर्नर से। इस कॉर्नर में मैंने ये जो कॉफ़ी मग है इसके अंदर मनी प्लांट रखे हुए हैं, कुछ टॉयज़ रखे हुए हैं, और कोने में आप ये ऑरेंज और ग्रीन कलर और येलो कलर के दो पॉट देख रहे हैं, ये रखा हुआ है। ये जो मग था मेरे हस्बैंड ने ब्लड डोनेट किया था तो कंपनी वालों ने उनको दिया था। ये बहुत ही हैवी है, इसको इसलिए हम यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ये दो तीन ब्रांच मनी प्लांट की रख दी हैं जो देखने में भी बहुत सुंदर लग रही हैं। और ये जो तीन टॉयज़ हैं ये तवीशी को मैकडी से हैप्पी मील में मिले हुए थे। जब तवीशी छोटी थी तो इनसे खेलती थी, अब नहीं खेलती है, तो तवीशी ने ये यहाँ पे डेकोरेट किए हैं। देखिए देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये है जो ये ट्रे है और इसके अंदर जो दो पॉट हैं ये बोन चाइना के हैं, ये मैंने लोकल मार्केट से ही लिए थे। इसके अंदर मैंने सौंफ और मिश्री रखी हुई है, खाना खाने के बाद जब खाना होता है तो हम यहीं से लेके खा लेते हैं। और एक छोटी सी स्पून है ये मैंने इसके अंदर डाली हुई है और ये देखने में भी बहुत ही प्यारी लग रही है। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों को हम यूज़ करके अपने काउंटर टॉप को डेकोरेट कर सकते हैं। और देखिए ये ऐसे जो टॉयज़ हैं वो कितने सुंदर लगते हैं। ऐसे ही आपके घर में भी कोई टॉयज़ हो तो आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। फिर चलते हैं अब इसके साइड में। इसके साइड में मैंने ये बास्केट रखी हुई है। ये जो बास्केट थी पहले मैं इसको फ्रूट्स रखने के लिए यूज़ किया करती थी। ये थोड़ा सा इसमें लकड़ी वाला काम है और ये थोड़ा जूट से बनी हुई है, लेकिन अब मैं इसे फ्रूट्स के लिए यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैं हैंड वाइप करने वाले जो क्लोथ्स होते हैं किचन के वो इसके अंदर रख लेती हूँ। ये अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में भी रखे रहते हैं और देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। फिर इसके ऊपर देखिए आप, ये इसके ऊपर आप देख रहे होंगे ये जो है ये सेटअप बॉक्स जो होता है टीवी का, उसकी ट्रे थी जो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था यूज़ करने के लिए, इसकी जगह वो दूसरी लेकर आ गए थे। तो मैंने इसको किचन में यहाँ पे इसको लगवा लिया है और इसके अंदर मैं अपना अपने हस्बैंड का और अपनी बेटी का जो मग होते हैं वो मैं हम इसको मैंने यहाँ रखा हुआ है। और पीछे मैंने पिकल रखा हुआ है, इसके अंदर चीनी और चाय बनाने के लिए चाय पत्ती रखी हुई है। ये मैंने अपनी राइट हैंड साइड पे ही लगवाया हुआ है ताकि जब भी मुझे चाय वगैरह बनानी हो तो मैं इजीली इसको राइट हैंड से उठा सकूं। और ये देखने में भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब चलते हैं इसकी साइड में। साइड में तो ये गैस है, अभी हमारे यहाँ गैस कनेक्शन आया नहीं है जिसकी वजह से ये अभी खाली पड़ा हुआ है, अभी हमें गैस सिलेंडर से ही काम चलाना पड़ रहा है। और ये मैंने साइड में रखा हुआ है स्पून होल्डर और इसमें वो फॉक स्पून, छोटी स्पून और पीछे नाइफ्स हैं, ये तो आप देख ही रहे होंगे, ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये भी देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। और फिर इसके साइड में मैंने ये रखी हुई है मसालदानी, कैसरोल वगैरह। और अब है इसके बिल्कुल कॉर्नर में, मेरे किचन के बिल्कुल कॉर्नर में यहाँ पर एक विंडो है, ग्लास विंडो, देख रहे होंगे आप।
तो इसकी इस विंडो के पे जो स्पेस था, मैंने यहाँ पे ये प्लांट रखा हुआ है। आप ये प्लांट जानते ही होंगे, मैंने वैलेंटाइन डे वाले व्लॉग में डाला हुआ था कि मुझे ये कैसे मिला है, ये क्यूट पिजन। और फिर मैंने ये एक छोटा सा पॉट रखा हुआ है, ये जो छोटा पॉट था मेरे पास रखा हुआ था, इसकी मैंने आईज बना दी हैं, लिप्स बना दिए हैं, ये देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये मैंने ऐसे ही डेकोरेटिव पर्पस के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। और नीचे फिर मैंने ये होल्डर रखा हुआ है, इसके अंदर मैंने ये जो होते हैं ये बेलन वगैरह और छन्नी, जो भी हैवी वाली चीज़ें हैं वो इस होल्डर में मैंने रखी हुई हैं। और जो हल्की चीज़ें हैं ये इस छोटे वाले होल्डर में रखा हुआ है। ये छोटा मैंने होल्डर लिया हुआ है, इसके अंदर मैंने नाइफ्स हो गया और ये कद्दूकस हो गया, छोटे छोटी छोटी स्पून्स हो गई, तवीशे की ये ग्रीन और ऑरेंज कलर की स्पून है, इनमें वेट कम होता है, तो ये मैंने इस छोटे होल्डर में रखा हुआ है। और फिर इसके बाद है, ये आप देख रहे होंगे एक ट्रे, ये वाली जो ट्रे है ये पिंक कलर की है, इस पे कुछ बनी हुई है, कुछ परियां सी डिज्नी वाली। तो जब तवीशी छोटी थी तब इसमें खाना खाया करती थी, लेकिन अब तवीशी इसमें खाना नहीं खाती है, तो इसको मैंने ऐसे, ये जो तेल का और घी का कंटेनर है इसको रखने के लिए यूज़ किया हुआ है, क्योंकि जब भी हम घी या तेल यूज़ करते हैं तो इसमें से घी ज़रूर निकल के नीचे गिरता है या फिर तेल गिरता है, जो काउंटर टॉप को गंदा करता है। तो वो गंदा ना हो काउंटर टॉप, तो इसके लिए मैंने ये ट्रे रखी हुई है, देखने में भी सुंदर लग रही है और इस ट्रे का यूज़ भी अच्छे से हो रहा है। और इसकी ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो हैं, इसको भी मैं कभी कभी इसमें कुकर की सीटी या फिर कोई भी ऐसा छोटा मोटा सामान रखने के लिए इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो अब मैं आपको फिर से एक बार अपने काउंटर टॉप का पूरा व्यू दिखाती हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा जो काउंटर टॉप होता है भरा हुआ अच्छा नहीं लगता है, वो स्पेशियस ही होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत वो खुला खुला जो होता है रखा हुआ सामान वो ही अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि हम काउंटर टॉप पे सब कुछ भर लें और फिर कोई भी चीज़ निकालना हो या रखना हो तो उसको रखना या निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाए। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो काउंटर टॉप है उस पर कम से कम सामान हो, और जो सामान हो वो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा हुआ हो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? मुझे पक्का पता है कि आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि हम लोग नए यूट्यूबर्स हैं, हम लोगों को आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो फिर मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।